अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई अगर रेजिस्टर को दी जाए तो क्या इफेक्ट्स होंगे? तो रेजिस्टर्स के लिए अल्टरनेटिंग करंट की पासेज वैसे ही है जैसे डीसी की है, मतलब ओम्स लॉ भी वैसे ही एप्लीकेबल है। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव के तौर पे काम कर रहा है, ये टर्मिनल नेगेटिव के तौर पे काम कर रहा है, तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में से। और अगले हाफ साइकिल में जब ये टर्मिनल पॉजिटिव के तौर पे काम कर रहा है और ये टर्मिनल नेगेटिव के तौर पे काम कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इसका मतलब है कि हम इनपुट में जैसी वोल्टेज इनपुट में दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, वैसे ही हमें आउटपुट में रेजिस्टेंस में से भी वैसे ही करंट और वोल्टेज जो है उनकी आउटपुट भी वैसे ही मिलेगी। जैसे बैटरी अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी, वैसे रेजिस्टेंस में करंट भी अपनी पोलैरिटी को वैसे ही चेंज करेगा, तो आपकी आउटपुट भी वैसे ही होगी। तो रेजिस्टेंस में से अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की पासेज सेम पैटर्न पे होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने करंट का ग्राफ बनाया, तो करंट अगर इंक्रीज़ कर रहा है इनपुट में तो रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज़ करेगा। अब रहेगी वोल्टेज, तो वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो वोल्टेज जब इंक्रीज़ हो रही है तो करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब वोल्टेज दूसरी तरफ से इंक्रीज़ हो रही है, पोलैरिटी बदल गई है, तो फिर दूसरी तरफ का करंट इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो अब मैंने ग्राफ ड्रा किया है दैट इज़ ऑफ वोल्टेज, और ये जो अंदर आपको शो हो रहा है दैट इज़ ऑफ करंट। तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज सेम फेज़ पे हैं, इकट्ठे ही ज़्यादा हो रहे हैं, इकट्ठे कम हो रहे हैं। अगर मैं इनके फेज़र वेक्टर्स ड्रा करूं, फेज़र वेक्टर्स, तो शुरू में देखें दोनों की वैल्यूज ज़ीरो ज़ीरो है, आई की और वी की, दोनों की सिमल्टेनियसली ज़ीरो है, दोनों की सिमल्टेनियसली मैक्सिमम पे पहुंची है, दोनों की फिर सिमल्टेनियसली ज़ीरो पे हुई है। तो शुरू वाली वैल्यू को देख के फेज़र वेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है वोल्टेज का जो वेक्टर है और करंट का जो वेक्टर है, बोथ आर एट सेम फेज, वी एंड आई आर एट सेम फेज, ना वोल्टेज लीड कर रही है ना करंट लीड कर रहा है। लीड और लैग करने का जो कंसेप्ट है फेज़ के लिहाज से, वो कैपेसिटर और इंडक्टर में अभी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम फेज़ पे हैं, दोनों के फेज़र वेक्टर्स पैरेलल ही हैं। तो पावर का जो फार्मूला होता है रजिस्टर में, पी इज़ इक्वल टू वी आई, कोस थीटा, ये कोस थीटा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, बिकॉज बोथ आर एट द सेम फेज, इसलिए उनका फेज एंगल ज़ीरो का है। तो इस तरह पावर का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मल्टीप्लाई बाय कोज ऑफ ज़ीरो, कोज ज़ीरो की वैल्यू वन। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि रजिस्टर में पावर फैक्टर जो है वो वन होता है, पावर फैक्टर इज वन। तो रजिस्टर में बाकी भी तमाम फार्मूलेज हम उसी तरह से अप्लाई करते हैं जिस तरह डीसी के होते हैं। तो बस ये है कि रजिस्टर में वोल्टेज का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना करंट के इंक्रीज़ होने और डिक्रीज़ होने के साथ इन फेज चलता है। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि कैपेसिटर में क्या होता है, एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर के मतलब पहले स्टूडेंट ये समझ लें कि कैपेसिटर में से डीसी तो पास हो नहीं सकता। क्यों? ये कैपेसिटर दो प्लेट्स पे मुश्तमिल है जिसमें इंसुलेटर है, तो डीसी
इस कैपेसिटर को चार्ज तो कर देगा लेकिन कंटिन्यूसली करंट का फ्लो नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब है, एक तो बात ये ज़हन में रख लें, डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं हो सकता। तो डीसी अगर सप्लाई हो तो करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, एक बात ये अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पास हो जाता है। वो क्यों पास होता है? वो इसलिए पास हो जाता है कि इस वक्त फ़र्ज़ करें ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? अगले हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज होना है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब है कैपेसिटर इस फॉर्म से इस फॉर्म में खुद ब खुद तो नहीं आया, बल्कि कैपेसिटर पहले न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो कैपेसिटर की ये पोलैरिटी जो चेंज हुई है, पॉजिटिव प्लेट जो है नेगेटिव बन गई है और नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हुई होगी। इसका मतलब है कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे रहेगा और ये कंटिन्यूसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है वो एसी के फ्लो का बायस बनेगी। एसी कैन फ्लो थ्रू कैपेसिटर ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की लगातार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से एसी जो है वो कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है। डीसी में सिर्फ चार्जिंग ही हुई है तो इसलिए हम कहेंगे डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता। अब हमने इस कैपेसिटर के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि एसी में क्या है। पहला, ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने से पहले ये फॉर्मूला जहन में रखें, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इट्स मीन क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। एक फॉर्मूला ये जहन में रखना है। और दूसरा, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इट्स मीन आई इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, दो क्वांटिटीज का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के फार्मूले के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्लोप का फार्मूला है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज की और टाइम की स्लोप, चार्ज और टाइम ग्राफ की स्लोप बनाई जाए तो वो स्लोप जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ करंट ज़्यादा होगा और जहाँ स्लोप कम होगी वहाँ करंट कम होगा। तो पहले हम ये दो क्वांटिटीज़ ड्रा करेंगे, क्यू और वी। ये दोनों क्योंकि प्रोपोर्शनल हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है। ये कैपेसिटर की पहले एक साइड वाली प्लेट पॉजिटिव थी और ये कैपेसिटर की दूसरी साइड वाली प्लेट पॉजिटिव हुई है। ये चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर है क्योंकि वी भी इसके प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है वी का ग्राफ भी इसके फेज में चलेगा, तो वी का ग्राफ ये आ गया। ये V का ग्राफ है, जहाँ Q इंक्रीज हो रहा है वहीं पे V भी इंक्रीज हो रहा है, जहाँ Q मैक्सिमम हो गया वहाँ V भी मैक्सिमम हो गया। Q और V सेम फेज पे हैं, Q एंड V आर, इधर लिख लेते हैं, Q एंड V आर एट सेम फेज, Q और V सेम फेज पे हैं।
अब हमने KUT ग्राफ की स्लोप देखनी है। स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कॉन्स्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो आप देखें, शुरू में इस जगह पे क्यू की स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप टेंजेंट से टेंजेंट के लिहाज से देखी जाती है। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो गई है, यहाँ पे स्लोप वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन स्लोप ज़ीरो हो गई है। स्लोप और वैल्यू यहाँ पे एक दूसरे के साथ सेम फेज पे नहीं है। जहाँ क्यू की वैल्यू ज़ीरो है वहाँ स्लोप क्यू की मैक्सिमम है, क्योंकि क्यू में चेंजिंग तेज़ी से आ रही है। तो इसका मतलब है स्लोप शुरू में मैक्सिमम है, फिर कम होती जा रही है। यहाँ पे पीक पोजीशन पे आके क्यू के यानी कि चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, लेकिन स्लोप जो है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्लोप के लिहाज से करंट ड्रा करना है। तो शुरू में स्लोप क्योंकि मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम आ गया, यहाँ स्लोप ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो आ गया, यहाँ पे स्लोप नीचे को मैक्सिमम है, इस जगह पे फिर स्लोप ज़ीरो हो चुकी है ग्राफ की, यहाँ पे स्लोप फिर ऊपर को मैक्सिमम हो गई है, यहाँ पे फिर स्लोप ज़ीरो हो गई है। तो करंट का जो ग्राफ है वो यूँ आएगा। करंट वी के साथ सेम फेज पे नहीं है, बल्कि जहाँ वी ज़ीरो था वहाँ करंट मैक्सिमम है, और जहाँ करंट वी मैक्सिमम है वहाँ करंट की वैल्यू ज़ीरो है। अब जब हम इसके फेज़र वेक्टर्स ड्रा करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो शुरू में वाली वैल्यूज़ को देखा जाता है। शुरू में क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो शुरू का फेज़ क्यू का ज़ीरो होगा, इसलिए क्यू को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, ये क्यू आ गया इनिशियल वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से। वी की भी शुरू वाली वैल्यू ज़ीरो है तो वी का भी सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया ग्राफ वेक्टर, जबकि करंट की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पाई बाय टू पे मिलती है। ये देखें, आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन पाई बाय टू, पाई बाय टू पे आपको वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। इसका मतलब है करंट की जो वैल्यू है वो उसका फेज़ 90 डिग्री पे हमने बनाना है। तो ये करंट हमने 90 डिग्री पे ड्रा कर लिया। ये करंट 90 डिग्री पे ड्रा कर लिया। अब ये आ गया करंट और ये आ गई वोल्टेज, ये करंट है और ये वोल्टेज है, ये सिस्टम है। करंट और वोल्टेज में 90 का फेज़ है। इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखें कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब है आई लीड कर रहा है किसको, वी को, कितने एंगल पे, 90 पे। तो आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री, तो इसको लिख लें यहाँ पे, आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लीड कर रहा है, आई लीड्स वी बाय पाई बाय टू, आई लीड कर रहा है, वी लैग, इसे यूं भी लिख सकते हैं, वी लैग्स आई बाय पाई बाय टू, वी आई से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब है दोनों का फेज़ जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, इसलिए पावर फैक्टर अगर हम निकालें तो वो ज़ीरो आएगा। पावर फैक्टर ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर का फार्मूला है वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस कोज ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड आई, दैट इज़ 90। तो दिस इज़ पावर फैक्टर, दिस पावर फैक्टर इज़ ज़ीरो, देयरफॉर ओवरऑल पावर इज़ आल्सो ज़ीरो। पावर फैक्टर अगर ज़ीरो है तो पावर भी ज़ीरो आई। तो ये था करंट थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो भी करंट के रास्ते में रुकावट पेश करता है, करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस पेश करता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर,
तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है उसे एक्स से ज़ाहिर करेंगे, और ये ओम्स लॉ के मुताबिक वी ओवर आई का फार्मूला होगा, और यूनिट इसका ओम ही होगा क्योंकि बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर के लिए यूज़ की जाती है, कैपेसिटर जो करंट के फ्लो में ओपोजिशन पेश करेगा उसे रिएक्टेंस कहेंगे। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। इस रिएक्टेंस का फार्मूला जो है वो एक ड्राइव्ड फार्मूला है आपके सिलेबस में, उसका प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट ही हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन ओवर ओमेगा सी, या यूँ कह लें इसको वन ओवर टू पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ होती है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स यूज़ करेंगे तो रिएक्टेंस थोड़ी देगा कैपेसिटर, कैपेसिटर आसानी से करंट को फ्लो कराएगा, और अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर अच्छा कंडक्ट नहीं करेगा, उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्टेंस का फार्मूला है, और रिएक्टेंस का यूनिट वही होगा ओम। तो ये था एसी थ्रू कैपेसिटर।